के लिए बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, एनटीपीसी CBT 1 एग्जाम से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस आरआरबी ने जारी कर दी है। तो आइए फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस को देखते हैं, इसके बाद जानेंगे कि एग्जाम शेड्यूल एनटीपीसी का कब तक आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आरआरबी भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा। धीरे धीरे सभी जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे भुवनेश्वर जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ चुकी है। देखिए 14/10/2019 के डेट में एक ऑफिशियल नोटिस आई है। CEA नंबर 1/2019 NTPC पोस्ट नोटिस ऑन फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। तो आइए इस नोटिस को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही ऑफिशियल नोटिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, नोटिस ऑन फर्स्ट स्टेज CBT फॉर CEN 1/2019 फॉर NTPC पोस्ट। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। इट वॉज इंडिकेटेड इन द इम्प्लॉयमेंट नोटिस दैट द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड बिटवीन जून एंड सितंबर 2019। यानी पहले ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आए थे उसमें मेंशन किए गए थे कि CBT 1 का एग्जाम NTPC का जून और सितंबर माह में होने वाले हैं। हाउएवर इट हैज बीन पोस्टपोन्ड, लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। द रिवाइज शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल आरआरबी लेटर ऑन। और रिवाइज जो एग्जाम का शेड्यूल होगा बाद के डेट में सभी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स कह सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा हिंट है इस नोटिस के अकॉर्डिंग कि आपके NTPC CBT 1 का एग्जाम RRC ग्रुप डी से भी पहले कंडक्ट हो सकते हैं। अब NTPC के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिस आ चुकी है। जो रिवाइज यहाँ पे डेट होंगे एग्जाम शेड्यूल के वो बाद के डेट में आपके जारी करवा दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB रेगुलरली, इसीलिए टाइम टू टाइम वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। डेट 14/10/2019। दोस्तों जैसा कि आपको भी पता है कि रेलवे के अपकमिंग एग्जाम जैसे कि RRB NTPC हो गया, RRC ग्रुप डी हो गया, इसके बाद आइसोलेटेड कैटेगरी हो गया, इसके लिए न्यू एग्जाम एजेंसी का जो है सिलेक्शन चल रहा है RRB के अंतर्गत। अब इसमें दोस्तों आपके टाइम भी लग जाएंगे न्यू एग्जाम वेंडर सिलेक्शन में, लगभग एक मंथ लग सकता है या फिर इससे ऊपर भी लग सकते हैं अकॉर्डिंग टू RRB ऑफिशियल। तो एक बार जब यहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनल हो जाएंगे तभी आपके एग्जाम के शेड्यूल जारी करवा दिए जाएंगे। और जिस प्रकार से इस नोटिस के अकॉर्डिंग हिंट मिल रहे हैं तो RRB NTPC CBT 1 का एग्जाम पहले होने के ज्यादातर संभावनाएं हैं। तो इसलिए अगर NTPC के एग्जाम शेड्यूल की बात कर लें तो एक्सपेक्टेड वही मिड नवंबर यानी 15 नवंबर तक आपके जारी हो सकते हैं, और इसके बाद एग्जाम की बात कर लें तो वही दिसंबर मंथ से आपके एग्जाम जो है शेड्यूल करवा दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन जारी रखें। और वही बात कर ले RRC ग्रुप डी वाले अभ्यर्थियों की, तो सबसे पहले अगर NTPC के एग्जाम स्टार्ट होते हैं जैसा कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग भी हिंट मिल रहे हैं तो RRC ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा जनवरी 2020 तक ही शेड्यूल करवाया जाएगा, तो इसमें अभी टाइम लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही एग्जाम वेंडर फाइनलाइजेशन होते हैं तब आपके फुल शेड्यूल एग्जाम के जारी करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और पल पल की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा।